समय शुरू होता है अब। महोदय, हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि गांव का खेतिहर मजदूर या छोटा किसान केवल जरूरतमंद उपेक्षित व्यक्ति भर नहीं है, पूरी व्यवस्था में उसका समान अधिकार है। कहना न होगा कि सच्चे अर्थों में इस अधिकार को अर्जित करने की पहली सीढ़ी साक्षरता है। यहाँ पहले स्पष्ट कर देना उचित होगा कि साक्षरता से तात्पर्य केवल अंकों और अक्षरों का ज्ञान नहीं है। वास्तव में यह साक्षरता के आशय को सीमित करना है। दूसरे शब्दों में साक्षरता एक वैज्ञानिक दृष्टि और समझ भी है, जिससे अपने आसपास की दुनिया को जाना व समझा जा सके। मनुष्य को समता न्याय के पक्ष में खड़ा किया जा सके और अधिकार कर्तव्य का बोध कराते हुए सम्मान से जीना सिखाया जा सके। साक्षर होने से व्यक्ति आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित हो सकता है और नया हुनर और कौशल सीखकर केवल अपनी राय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने में भी योगदान कर सकता है। एक साक्षर समाज में विकास की रोशनी किस तरह फैलाती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश चीन है। जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो चीन से बेहतर स्थिति में हमारा देश का एक छोटा प्रदेश केरल है। चीन की जन्म दर 19% प्रति हजार है, जबकि केरल की जन्म दर 18% प्रति हजार है। केरल की प्रजनन दर 1979 में 3 थी और उस समय चीन की प्रजनन दर 2.8 थी, लेकिन 1992 में चीन की प्रजनन दर 2 हो गई, जबकि 1991 आते आते केरल की प्रजनन दर मात्र 1.8 रह गई। स्पष्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से चीन से अधिक केरल में सजगता आई है। हमें याद रखना चाहिए कि चीन में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नियमों का मामला किसी भी प्रकार से न तो कोई सरकारी बाध्यता है और न ही ऐसा कोई दबाव से स्पष्ट है कि साक्षरता मात्र अक्षर ज्ञान ही नहीं राष्ट्रीय विकास के लिए एक अनिवार्य कार्यक्रम है। यह अनेक रूपों में विकास का संवाहक है। यह अकारण नहीं है कि जिन क्षेत्रों में प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम को सही ढंग से निष्पादित किया गया है